बेड पर सुसु करने वाली सास। मीरा शादी के बाद जैसे ही ससुराल आती है, पहले ही दिन उसे सास की आवाज आती है। हाय रे करम, जली को आए 2 घंटे हो गए, लेकिन मजाल है कि सास के पास आकर पूछे कि क्या क्या काम करना है। अरे कैसी बात कर रही हो भाग्यवान, बहू को घर में सेटल तो हो जाने दो, कैसी बोली बोल रही हो। माँ जी की इन्हीं हरकतों से मैंने ये घर छोड़ा। ये तो किसी को कुछ कहने से पहले सोचती भी नहीं है। देखिए भाभी, आपका घर नहीं है ये, भैया को लेकर आप निकल चुकी हैं, तो माँ की बातों को काटने की जरूरत नहीं है। और क्या, हमारी बिटिया लोग है ना हमारे साथ, या दूसरे घर की लड़कियों को तो हम जूती में रखते हैं, जूती में। देखो भाग्यवान, समाज में हमारा नाम है, प्रतिष्ठा है, पहली बहू को तो गालियां देकर भगा दिया, छोटी भी घर छोड़कर चली गई तो मोहल्ला हमें ही खराब बोलेगा, समझ रही हो ना। खैर, कहानी ये है कि मीरा की सास के पास पैसा तो खूब था, लेकिन थी अंगूठा छाप, पैसे का घमंड इतना, ऊपर से ननंदे। देख छोटी, ये छोटी भाभी के आ जाने के बाद से तो हम लोग मम्मी पापा से पैसे नहीं निकलवा पाएंगे, क्यों? अरे चलो, अभी अभी आई है, जैसे रखेंगे रहेगी, वैसे भी लव मैरिज की है, कौन सा मायके जाकर रो सकती है। क्या बात कर रही हो तुम दोनों, अरे मैंने घर में शांति रखने के लिए छोटे की शादी की है, तुम दोनों तो ससुराल की हो, बड़ी बहू वैसे साथ नहीं रहती, अरे कम से कम छोटी वाली हम लोगों को 2 रोटी तो देगी। हाँ तो क्यों नहीं देगी, कैसे परिवार की है, यहाँ आकर देख रही होगी कि पैसा क्या होता है, अरे अमीरी ऐसे थोड़ी ना पचा लेगी। और रोटी की बात कर रहे हो, ये देखो। ये बोलकर सास जोर की आवाज लगाती है, मीरा भाग कर सास के पास आ जाती है। ये ले तेल की बोतल, जमीन में बैठ कर मेरे पैर की मालिश कर। तभी नौकर कहता है, मालकिन बहू के हाथ की तो मेहंदी भी नहीं छूटी है, लाइए मैं लगा देता हूँ तेल। अरे वाह, आया बहू का हमदर्द, तुझसे कहा मैंने, हट, चाल बहू तेल लगा। अब क्या था, मीरा छोटे छोटे नाजुक हाथ से सास के पैर पर मालिश कर ही रही थी कि मीरा का जेठ आ जाता है। जेठ है तेरे, इनके आगे मुंह नहीं दिखाना है, सर पर पल्ला कर, पूरा मुंह ढक। नहीं नहीं, विवेक मुझसे 11 साल छोटा है, वो मेरे बेटे जैसा है, मीरा तुम बहू नहीं बच्ची हो इस घर की, और उठो कमरे में जाओ। मीरा कमरे में जा रही होती है कि देख माँ, मुझे तो तुम लोगों ने घर से निकाल दिया, लेकिन मीरा को मैं इसी घर में रखूंगा, विवेक सीधा है लेकिन तुम उसका फायदा उठा रही हो। अरे जाओ जाओ, अपनी बीवी के साथ घर दे दिया है ना, आप क्या चाहिए हैं? वो सही बोल रहा है, ये हरकतें ठीक नहीं है, कौन सिखाता है तुम्हें ये सब? क्या बोलना चाहते हैं पापा और भैया? यही कि हम लोग माँ को भड़का रहे हैं। अरे वो तो शादी में आ गए, नहीं तो हम दोनों अपने ससुराल में ही खुश है, क्यों? वो तो भला हो छोटी बहू का जो तुम दोनों के ससुराल जाने के बाद आई है, मेरे वक्त तो ये दोनों भी कुमारी थी, ऐसा लगता था घर में 3-3 सास। ना जी ना, छोटी के साथ अब हम कोई अन्याय नहीं होने देंगे। हाँ, छोटी सबकी बात सुन रही थी, वहीं उसकी अपनी भी कहानी थी। हाय रे, कहाँ फंस गई विवेक के प्यार में, यहाँ तो माजरा ही अलग है, न मन चाहे कपड़े पहन सकते हैं, न मन चाहे घूम सकते हैं, हाय रे किस्मत। खैर कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन सास का सितम छोटी बहू मीरा पर तेज होता ही चला जाता है। कहाँ जा रही है कमरे में, जा जाकर रसोई साफ कर, फ्रिज कितना गंदा है ठीक कर उसे। लेकिन माँ जी मैं थक गई हूँ, सारा दिन काम करके रात में तो सोंगी ही ना। माँ से कैसे जबान चला रही हो, मैं साफ बोल रहा हूँ ये सब नहीं चलेगा। लेकिन शादी के पहले तो तुमने कहा था कि घर में नौकर चाकर है, वो सारा काम करते हैं। अच्छा, भिखारी की बेटी को नौकर चाहिए, लो बोलो। सास मीरा को जितना भला बुरा हो सकता था सुनाती थी। मीरा घर पर तो कुछ ना बोलती, लेकिन विवेक की भाभी जो घर छोड़कर चली गई थी उन्हें फोन करती। देख मीरा,
मैंने तो इन लोगों से तंग आकर ही घर छोड़ा, वरना ये लोग तो मुझे कोई बीमारी ही लगा देते। लेकिन तू क्या कर सकती है, तू तो एक काम कर बस, जैसे को तैसा जवाब दे। पर भाभी मुझे तो जवाब देना नहीं आता। अरे सब सीख जाते हैं, मैं कौन सा तेज तर्रार थी, इन लोगों ने परेशान कर करके ऐसा बना दिया मुझे। मीरा को समझ में आ जाता है कि उसे भी सास के साथ गंदा व्यवहार ही करना है। फिर एक रोज, क्या है, है? मरी कटिसी शक्ल लेकर क्यों घूम रही है? जैसी भी है, आपसे तो सुंदर है ना। सास को गुस्सा आ जाता है, वो बहू को कुछ कह ही रही होती है कि सामने से आ जाती है बहू मीरा की माँ। वो तो तूने मीरा, तेरी सास की जवानी नहीं देखी, तू तो कुछ नहीं है बहन जी के आगे। लीजिए बहन जी ये लाल साड़ी आपके लिए, खूब जचेगी आप पर, और बच्ची है मीरा, माफ कर दीजिए। सास लाल साड़ी देखकर खुश हो जाती है। देख देख तेरी माँ में कितनी अकल है, जा बहन जी के लिए चाय लेकर आ। आइए आइए बहन जी बैठिए। सास से बात करने के बाद माँ बेटी के कमरे में जाती है। मैं ये क्या सुन रही हूँ, सास को इतना गंदा कौन बोलता है? माँ तूने अभी इनकी बोली नहीं सुनी। अरे चाहे जो हो मीरा, बड़ों को जवाब देना, उनसे लड़ना हम लोगों की संस्कृति में नहीं है। तभी सास की जोर से आवाज आती है, सभी कमरे में जाते हैं जहाँ सास जमीन पर पड़ी होती है। अरे मर गई, कोई तो बचाओ। डॉक्टर को बुलाया जाता है। इनकी तो रीढ़ की हड्डी टूट गई है, इसे ठीक होने में वक्त लगेगा, लेकिन तब तक ये उठ बैठ नहीं सकती है। सास बिचारी बिस्तर पर। जाते जाते मीरा की माँ उसे कहती है, देख मीरा, सास के दिल में जगह बनाने का ये मौका है, उनका अच्छे से ख्याल रखना। माँ चली जाती है और मीरा सास की सेवा में लग जाती है। नहीं नहीं बहू, तू मेरी सुसु साफ नहीं करेगी। अगर आप मेरी सास ना होकर माँ होती तो क्या बचपन में आप मेरी सुसु साफ नहीं करती? सास बिस्तर पर ही रहती है, लेकिन मीरा उनका पूरा ख्याल रखती है। एक रोज दोनों ननदे माँ को देखने आती है। अब आई हो तुम दोनों, जब हफ्ता हो गया मुझे गिरे हैं? एक बार तो उसी दिन देख जाती। अरे माँ वक्त कहाँ है, वो तो आज मैं और दीदी शॉपिंग में जा रहे थे तो सोचा कि देखते चले। अरे अरे माँ तेरी तो सुसु निकल रही है। हाँ बेटा जरा वो पोछे से साफ कर दे। छी छी नाना, हम ना करेंगे, हम तो जा रहे, कौन यहाँ ऐसी गंदगी में रहेगा। तभी मीरा हाथ में सास के लिए सूप लेकर आती है। दीदी आप ये सूप माँ को पिला दो, सुसु मैं साफ कर देती हूँ। मैं तो यहाँ एक पल ना रुकूं, सूप तो दूर की बात है। दोनों बेटियां वहां से भाग जाती है। कोई बात नहीं माँ, मैं हूं ना। मान गई मीरा, तेरे जैसी बेटी और तेरी माँ जैसे संस्कार सभी को मिले, मैं तो अपनी जिन बेटियों के चक्कर में अपना घर बर्बाद करने चली थी, वही मुझे मुसीबत में छोड़कर चली गई।